पूरा का पूरा विमर्श हुआ मेरे कहने के बाद, और विमर्श होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से, हम लोगों की तरफ से बाजाप्ता ऑफिशियल लेटर भेजा गया है केंद्र सरकार को, हम आपको बता देना चाहते हैं। और यह पत्र भेजा गया है 15 फरवरी 2020 को, ये राज्य सरकार की तरफ से अपर मुख्य सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार के माध्यम से भेजा गया भारत के महारजिस्ट्रार सह जनगणना आयुक्त को, और यह चीज भेज दिया गया है वहां। और राष्ट्रीय, और इसका विषय है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर 2020 के विहित प्रपत्र के क्रमांक 3 लिंग विवरण में ट्रांसजेंडर को रखते हुए प्रपत्र के शेष अन्य सूचनाएं पूर्व में संपन्न हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर 2010 की भांति रखे जाने के संबंध में। और ये पत्र ऑफिशियल, आप जो कह रहे हैं हमने इसका कोई जिक्र नहीं किया, आप लोग बोल रहे थे, अपना व्यू बोलते रहे, लेकिन जब हुआ कि भाई संसद, भाई राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है, तब सदन में बातचीत हो रही है, तो सदन के अंदर राज्य सरकार को अपने निर्णय के बारे में तो जानकारी देनी है। तो ये बाजाप्ता भाई राज्य सरकार की तरफ से दिया गया, और कंफ्यूजन में मत रहिएगा, अलायंस है, लेकिन राजस्व विभाग किनके अधीन है? भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय विधायक राजस्व मंत्री, इसलिए इन सब चीजों में असहमति से कोई बात नहीं होती है। बाजाप्ता राजस्व विभाग के माध्यम से आया है और हमने उस पर हस्ताक्षर किया, पहले ही हमने बातचीत की थी, और बाजाप्ता उसके बाद 15 दिसंबर को पत्र भेज दिया गया है, पूरा डिटेल्स भेज दिया गया है 15 फरवरी को। कोई डिस्टर्बेंस, जो 18/12/19 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से, कि 15 मई से जो है एनपीआर जो है लागू कर दी जाएगी, तो क्या इस नोटिफिकेशन को आपने रद्द किया? लेटर का जवाब आएगा कि नहीं आएगा, अब इसके बाद इसका तो कोई पता नहीं, तो आपको नहीं, उसने आप बता दीजिएगा, हम तो आप, आपकी बात सुन चुके हैं, पूरे सदन के सहमति से भेज दे उसका, उसका कोई वो आप, हम आपकी बात सुन रहे थे, वो जो नोटिफिकेशन है सेंटर की तरफ से जो हम आपने बताया कि पिछले वर्ष आया था, उसी के मद्देनजर जो कार्रवाई होती है वो हुई, लेकिन उसके बाद जो उसके लिए क्या शेड्यूल, शेड्यूल तो खैर अपना ये तय है कि उसी बीच में होगा जिस बीच में, जिस समय में पिछली बार 2010 में हुआ था, मई महीने में से जून में, लेकिन उसके अलावे जो नया उसमें कई चीजों को शामिल किया गया है उसको देखते हुए, और तब इस पर विमर्श हुआ। और आप जान रहे हैं मैंने बार बार कहा कि 19 जनवरी के बाद एक एक चीज का आकलन और अध्ययन करने के बाद ये बातचीत हुई, और बातचीत करने के बाद बाजाप्ता फॉर्मल, और आप जो कह रहे हैं नोटिफिकेशन वो गलत नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी नोटिफिकेशन हमारे पास है, ये जो वहां से नोटिफाई किया गया, लेकिन यह एक 18 दिसंबर 2019 को किया गया जनगणना अधिनियम 1948 अधिनियम 37 सन 1948 के अधीन बनाई गई नियमावली की धारा 8(3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल आदेश देते हैं कि बिहार राज्य में भारत की जनगणना 2021 के प्रथम चरण अर्थात मकान सूचीकरण, मकान गणना तथा राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर का अद्यतन किए जाने का कार्य दिनांक 15 मई 2020 से दिनांक 28 जून 2020 की अवधि के दौरान किया जाएगा। यह बात सही है, लेकिन इसमें किस प्रकार से किया जाएगा इसका तो कोई उल्लेख नहीं है। यह तो वहां से जो पत्र आया है, और उस पत्र में इस बात का कोई जिक्र नहीं है जो मैंने आपको बताया। ये जो पत्र आया है औपचारिक 7 अक्टूबर को, ये उनके द्वारा जो यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को यानी केंद्र से जो आता है उसमें इन बातों की कोई चर्चा नहीं है, इन बातों की कोई चर्चा नहीं है कि 2020 में जो एनपीआर होगा उसमें ये मुद्दे होंगे, इसलिए उससे उसका कोई संबंध नहीं है। और जब इसकी पूरी जानकारी आई है, और अभी हम आपको बता दें कि अभी जो 2020 के बारे में जिन बातों की चर्चा हुई है अभी औपचारिक अधिसूचना उसकी भी जारी नहीं हुई है, उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि इसी आधार पर एनपीआर का
सब उसकी जानकारी एकत्रित की जाएगी, ये उसमें भी नहीं है। इसलिए हम लोगों की तरफ से ये बाजाप्ता इसके बारे में जो पत्र लिखा गया उसका हम बता देते हैं आपको। इसमें काफी डिटेल्स लिखा गया है, तो इसमें साफ लिखा गया है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के प्रपत्रों के तुलनात्मक संलग्न विवरणी से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के प्रपत्रों में अतिरिक्त सूचना प्राप्त किया जाना है, जिसका प्रावधान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के प्रपत्र में नहीं किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 से संबंधित प्रपत्र में प्राप्त किए जाने वाले सूचना संग्रहण एवं संकलन में संभावित कठिनाइयों को देखते हुए सम्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार का यह अभिमत है कि वर्तमान राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के प्रपत्र में लिंग संबंधित विवरण क्रमांक 3 में ट्रांसजेंडर का समावेश करते हुए, क्योंकि वो जरूरी है, स्त्री पुरुष के अलावे ट्रांसजेंडर वो जरूरी है, समावेश करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या, क्योंकि ये ट्रांसजेंडर वाला 2010 में नहीं था, तो अब ट्रांसजेंडर का शामिल करते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 में अंकित कंडिकाओं से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त की जाए, साफ तौर पर लिखा गया, जिससे आम व्यक्तियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो एवं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 का कार्यान्वयन सुगमता पूर्वक निर्धारित समय के अंतर्गत संपन्न हो सके। ये राज्य सरकार ने साफ साफ तौर पर लिख करके संसूचित कर दिया है कि 2010 पर ही होना चाहिए। विदित हो कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 को तैयार करने के संबंध में अनुसूचियों के माध्यम से सभी व्यक्तियों से जानकारी सूचना एकत्र करने हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों का विवरण अभी केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है, जिसकी चर्चा हुई है अभी वो अधिसूचित नहीं है। अतएव अनुरोध है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2020 के अंतर्गत ट्रांसजेंडर की सूचना का समावेश करते हुए पूर्व में संपन्न किए गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर 2010 के विहित प्रपत्र में अंकित मदों पर ही शेष सूचनाओं का संग्रह किए जाने के संबंध में अधिसूचना निर्गत करने की कृपा की। यह है हम लोगों का, सरकार का भी, इसमें तो कोई मतभेद नहीं है भाई। तो अध्यक्ष महोदय, हम कहेंगे कि जो राज्य सरकार, एक सुन लीजिए राज्य, एक मिनट सुन, अरे हमारा प्रस्ताव तो सुन लीजिए तब बोलिएगा। हम तो अध्यक्ष महोदय से कहेंगे कि जो राज्य सरकार के द्वारा कम्युनिकेट किया गया है उसको यहां से सर्वसम्मति पारित कर दिया जाए, और इसको भी विधानसभा के माध्यम से भी संसूचित कर दिया जाए वहां, कि ये सब लोगों की राय है। ये तो हम लोग राज्य सरकार की तरफ से कर चुके हैं। प्यार को लेकर के जो संदेह और जो लोग विचलित हो रहे थे, डरे हुए थे, भय में थे कि ये काला कानून है, देश को तोड़ने वाला कानून है, आज हम लोगों ने बिहार विधानसभा से सर्वसम्मति से इसको पास किया है। और हमारी लड़ाई सदन से लेकर के जो सड़क पे जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ने का काम किया, उन सभी अपने पार्टी के जितने साथियों को भी धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आज जो हम लोगों ने जनता को विश्वास दिलाया था कि बिहार की धरती पर हम किसी भी प्रकार से NPR को लागू नहीं होने देंगे, NRC लागू होने देंगे, और ये हम लोगों के लड़ाई का, हम लोगों के संघर्ष का ये नतीजा है कि सरकार को विपक्ष के आगे झुकना पड़ा, सरकार को विपक्ष के आगे घुटने टेकने पड़े, और हम लोगों ने सर्वसम्मति से इसको पास किया। जो लोग ये कहा करते थे कि हम एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच नहीं पीछे हटेंगे, और जिन जिन राज्यों में NPR NRC प्रस्ताव पारित किया गया है, जिन राज्यों ने, आप माफ कीजिएगा, सरकार में सहयोगी दल BJP की नहीं थी,
ये बिहार की धरती है जहां सरकार में सहयोगी दल बीजेपी के हैं, फिर भी हमने सर्वसम्मति जो है विपक्ष के लोगों के संघर्ष का नतीजा है, लालू जी के खौफ से सब लोग जो है जानते हैं इस चीजों को कि उनको भी जो एक इंच पीछे हटने की बात करते थे नहीं हटेंगे, आज वही बीजेपी के लोगों को बिहार से भागना पड़ा और इस पे सहमति जतानी पड़ी। तो हम ज्यादा कुछ न कह के अपनी बात को यही खत्म करेंगे और सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और ये बात तो हम शुरू से कह रहे थे, ये काला कानून है जिसको हमारी बात को मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार की और सरकार को विपक्ष के आगे तो लगता है कि नीतीश कुमार ने इसमें इनिशिएटिव लिया, बीजेपी को साइडलाइन। इसमें तो आप जानते हैं एक दिन का जब सर हो जाना चाहिए था जो कि नहीं हुआ, फिर भी चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ, इस पर ज्यादा राजनीति नहीं करनी है। लेकिन एक बात तो साबित हो गया कि गांधी जी के जो विचार पे जो हम लोग चलने वाले हैं, कहीं हिंसा दंगा फसाद कुछ नहीं, धरने पे लोग बैठे, उन माताएं बहनों को धन्यवाद देते हैं और जितना नौजवान युवा साथी लोगों ने संघर्ष किया और जिन लोगों की उम्मीदें थी हम लोगों से, वो आज हम लोगों ने कार्य में सफल रहे, तो इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। अब हम लोगों को काम की बात करनी है, बेरोजगारी मिटाने की बात करनी है, बिहार को आगे ले जाने की बात करनी है। बिहार में आज बजट सेशन जो है वो भी पारित हो रहा है, लेकिन जो असली मुद्दा जिससे देश जल रहा था, अमन चैन खतरे में था, आज कम से कम जो लोग एक इंच की बात करते थे उनको भागना पड़ा, सर्वसम्मति से पास करना पड़ा, ये बड़ा मुद्दा था जिसको हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया। और अब ये मुद्दा जो है हम लोगों ने बिहार के धरती पे नहीं आने का ये कानून को संकल्प लिया है पूरी बिहार विधानसभा के लोगों ने। अब काम जो है नौजवानों को रोजगार दिलाने के लिए।